नारायण भक्तों, मैं हूँ स्वामी ब्रह्मांडपुरी महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य। आज भक्तों के विशेष आग्रह पर संधिवाद पे चर्चा करते हैं। क्या है संधिवाद, कैसे होती हैं ये बीमारियाँ और कैसे होगा इसका निदान, क्योंकि हमारे जीवन में दुखी होने के बाद संपूर्ण व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों पे है। पहला शब्द है चिंता और दूसरा शब्द है चिंतन। चिंता इस विषय पे करना होता है कि ये बीमारी हुई कैसे, और चिंतन इस विषय पे कि इससे मुक्ति होगी कैसे। संधि धनवात अस्तु संधिवात, संधि धनवात अस्तु संधिवात। संधि का अर्थ होता है इन जोड़ों से, वात का अर्थ होता है वायु से। एलोपैथ है ओनली टू टाइप आर्थराइटिस, टाइप वन एंड टाइप टू रेमो आर्थराइटिस आर्थराइटिस। लेकिन अष्टादश वात रोग है मधुमेह त्रयोदशा। आयुर्वेद में 18 प्रकार के वात रोग बताए जाते हैं, प्रचलित हैं आम्रवात, गठियावात और संधिवात। तीनों के अलग अलग लक्षण हैं, क्षार, अम्ल और पित्त। कई जगह आप देखें कि क्षार विषय पे थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगेगा कि स्वामी जी आज तक तो किसी ने क्षार से हमको आर्थराइटिस होने का इंडिकेशन बताया नहीं। वो आपको इसलिए नहीं बताएंगे कि उनके दुकान ज़्यादा दिन चला नहीं। आप किसी एरियाज में जाइए, जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्र मिलेंगे, गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र कोल्हापुर साइड में जाएंगे, गुवाहाटी में अगर आप लोखरा की एरिया में जाएंगे, कामाख्या साइड में जाएंगे, पंजाब के एरियाज में जाएंगे, गुड़गांव के NCR की एरियाज में जाएंगे, तो वहाँ का पानी पूर्ण रूप से क्षारीय है। और उस क्षारीय पानी को पीने के कारण सबसे ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और आर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ होती हैं। पानी का TDS अगर नॉर्मल नहीं है और आप उसको पी रहे हैं तो आपको बीमारियां ग्रसित करती हैं। अब कुछ लोग ये मूर्ख कहते हैं कि मैंने तो RO लगा लिया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने तो RO लगा लिया, मैं शुद्ध जल का पान करता हूँ। नहीं, ये RO का पानी आपको कैंसर की ओर भी ले जा सकता है। अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है, पद्धति के आधार से अगर इसके फिल्टर्स नहीं बनाए गए, अगर आपने इसके अंदर शुद्ध सही समय पे इसकी स्वच्छता नहीं की, इसके फिल्टर्स को चेंज नहीं किए हैं, तो इसके अंदर बैक्टीरियाज बहुत जल्दी इंप्रेस होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं और आपको कैंसर तक ले जा सकते हैं। इसलिए पानी चाहे RO का हो या सादा, हमेशा उबाल करके पीना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। संधिवात, आम्रवात और गठियावात, हम कहते हैं ये वृक्ष बोलते हैं, ये वृक्ष कहते हैं यूज मी, मैं इस चीज की दवा हूं। अगर आपने किसी वनस्पति को उठाया है, उसका पत्ता अगर कड़वा है तो नो डाउट वो वनस्पति रक्त दोषांतक हो सकता है, वो वनस्पति हमेशा स्क्रीन में काम कर सकता है, वो वनस्पति ज्वरनाशक हो सकता है। अगर किसी वनस्पति को आपने उठाया है, उसका स्वाद खट्टा है जैसे इमली, तो इमली का बीज बहुत काम का है। ध्यान से सुनना, कई बार आप लोगों को बिच्छू डंक मार जाती है, आपके पास कोई औषधि नहीं होती। अगर आपको बिच्छू डंक मार जाती है और इमली के बीज को रगड़ रगड़ करके अगर उसका लेप उस पर चढ़ाते हैं तो बिच्छू का डंक भी उतर जाता है। हम बात करते हैं संधिवात, आम्रवात की और गठियावात। दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा रिलेशन डाइजेशन से। सबसे पहले आपका डाइजेशन सही नहीं होता है, आपको बद्ध कोष्ठता हो जाती है, हाइपर एसिडिटी बनती है। अब हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि अगर हम उसे समय से भोजन नहीं करेंगे तो भी एसिडिटी बनेगी, और ज्यादा खाएंगे तो हाइपर एसिडिटी बनेगी।
और अगर यही दोनों चेस्ट पर जाकर टकराएं तो इसे हेपरोसिडिटी कहते हैं, सिर पे टकराएं तो माइग्रेन का स्वरूप भी ले सकता है, क्योंकि हाइपर एसिडिटी के बाद में कफ ज़्यादा मात्रा में बनता है और कफ जब ब्रेन तक चला जाता है उसी को हम माइग्रेन की उत्पत्ति कहते हैं। यानी इन तीनों बीमारियों की माँ कौन है? डाइजेशन। आपका पाचन तत्व शुद्ध रहना चाहिए, आहार विहार में ध्यान रखना है आपको, वातवर्धक चीज़ों का बिल्कुल सेवन ना करें। वातवर्धक क्या है? दाल की हम बात करते हैं। आज हम हमारे घरों में जिन दाल को बड़े स्वाद से खाते हैं ना, उन दालों में जहर, दाल पकते नहीं है, फूट जाते। हम जिस दाल को कुकर में बनाते हैं वो फूट जाते हैं, और कुकर में उस दाल को बनाने के बाद उनका जो नेचुरल 100% सत्व एनर्जी है वो सिर्फ 15% रह जाता है। प्राचीन परंपरा में अगर आप जाएंगे तो हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन में दाल बनाया जाता था, और मिट्टी के बर्तन के दाल को 48 घंटे तक रखा जाए तो उसके अंदर कैल्शियम इंग्रेडिएंट्स नहीं ख़त्म होगा, उसके अंदर फास्फोरस नहीं ख़त्म होगा, उसके अंदर के कोई भी इंग्रेडिएंट्स ख़त्म नहीं होते। यानी वातवर्धक चीज़ों में आ गया, चने की दाल है, अरहर की दाल है, मूंगफली के दाने हैं, बैगन जो सबसे लोगों का प्रिय भोजन है, खैर बैगन सबसे ज़्यादा वातवर्धक है, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आलू में सबसे ज़्यादा वात है, चावल में ज़्यादा वात है, इनका सेवन बिल्कुल ना करें, और अगर करें भी तो सदैव सब्जी में हींग का इस्तेमाल कंपलसरी करें, और छोंक में लहसुन का इस्तेमाल करें तो शायद आप इससे थोड़ा संरक्षित हो जाएंगे, सुरक्षित नहीं है। अब आपको इन बीमारियों से बचाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, मेरी 42 ईयर्स एज है, मेरे 19 साल इसी में लग गए। गांव-गांव में जाकर के देखा, एक अमीर के पास है तो सब कर लेता है लेकिन गरीब क्या करेगा। हमारी मॉडर्न मेडिसिंस है, हमारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, भारत के अंदर जो स्वदेशी होने का नारा लगाते हैं लेकिन स्वदेशियों का ही खून पीते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पता नहीं क्या मिलता है इन गरीबों की लहू में, मौका मिलने पर हर कोई दो घूंट पी लेता है। वो गरीब व्यक्ति इसको कैसे यूज करेंगे, कहाँ से लाएंगे, इस विषय पे मैंने रिसर्च किया, गांव-गांव में जा करके, इन वनों में जा करके एक एक चीज़ें इकट्ठा की, क्योंकि मित्रों मैं ग्रास रूटर हूँ, मेरे पास तन मन विद्या है, धन नहीं है, ना था ना है ना कभी होगा, क्योंकि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी रुक नहीं सकती। हमने देखा कि एक गरीब आदमी कैसे इसका सेवन करेगा, इसके लिए संधिवात के निदान के लिए हमने हमारी ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी ISO सर्टिफाइड से औषधियों का निर्माण किया। आइए आपको हम बताते हैं हमारी कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनको आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। सबसे पहले अगर आपको संधिवात है तो संधिवात में एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। जब तक डाइजेशन सही नहीं होगा तब तक आपका वात रोग खत्म नहीं होगा, उसके लिए हमारी कंपनी बनाती है, मेरे रिसर्च किए हुए, मेरे हाथों द्वारा, मेरी देखरेख से बनाए हुए फार्मूलेशन है ब्रह्मांड पाचक चूर्ण, जिसके अंदर ग्रीन इंग्रेडिएंट्स है, कुटकी है, लौंग है, काली मिर्च है, पंचछार है, सेधा नमक है, हींग और त्रिफला का समावेश है। सुबह और शाम भोजन के बाद आप एक चम्मच सवेरे और शाम को 3 ग्राम से 5 ग्राम तक गर्म पानी से लेते रहें, आपका कितना भी पुराना बद्ध कोष्ठता होगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, इससे आपको मुक्ति दिलाता है। यानी संधिवात में इंटरनल मेडिसिन में हम आपको ये देते हैं ब्रह्मांड पाचक चूर्ण। एक्सटर्नल यूज में डॉक्टर साहब को क्या देते हैं? मसाज आइलमेंट हम देते हैं आपको, इसके लिए ब्रह्मांड दर्द नाशक तेल। क्या है ब्रह्मांड दर्द नाशक तेल के अंदर? जिस तरीके से तंत्र में, वेदों में, साधना के क्षेत्रों में कहा गया है
अगर किसी मंत्र का भावार्थ का ज्ञान नहीं है तो आप जाप बिल्कुल ना करें, और अगर उच्चारण का ज्ञान नहीं है तो मानसिक कर लें, उच्चारण अगर गलत हो गया तो मंत्र का भावार्थ बदल जाता है। इसके अंदर दुनिया की वो सारी चीज़ें हमने डाली हुई है। ISO सर्टिफाइड हमारी कंपनी है, इसमें है हल्दी, लौंग, पिपरमिंट, आजवान का फूल, भीमसेनी कपूर, सफ़ेद प्याज, समुद्र फेस, जात्यादि, मरीच्यादि, महामरीच्यादि, विषगर्भ, गुरुच्यादि, और इसकी डाइल्यूटिंग बेस है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल अपने आप में इतना बड़ा पेन किलर है, जितना पुराना होता है उतने जल्दी दर्द को नष्ट कर देता है। गठियावाद के लिए हम आपको ब्रह्मांड दर्दनाशक तेल और ब्रह्मांड पाचक चूर्ण देते हैं। अगर पाचक चूर्ण का अभाव है तो इसके साथ आप त्रिफला का भी सेवन कर सकते हैं। ये हो गया गठियावाद के ऊपर निदान। अगर एज फैक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसके साथ में हम महायोगराज गुग्गुल दे सकते हैं, विष पुष्टि दे सकते हैं, या फिर इसके साथ में एज फैक्ट को लेकर हमेशा फीवर बना रहता है, बुखार भी आने लगते हैं, उसके लिए हम त्रिभुवन कीर्ति रस या त्रिभुवन कीर्ति गोदंती टेबलेट दिन में एक एक बार दे सकते हैं। तो अगर आप पीड़ित हैं संधिवाद से तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी बहुत ही कम लागत के अंदर आपको संधिवाद की दवा पहुंचाने के लिए आया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा। अब देखिए, इसमें एक आर्थराइटिस का और एक नया प्रकार होता है, जिसमें डॉक्टर्स अभी थोड़ी देर पहले जिन चर्चाओं में हमने कैल्शियम की बात करी थी, विटामिन्स की बात करी थी, उसी तरीके से आपको एक गुप्त सूत्र बता दें, आदमी की ऊंचाई कभी नहीं बढ़ती। अटपटा लगा ना मित्रों आपको सुन के, फिर हाइट कैसे बढ़ती? जब हम जन्म लेते हैं, हमारे मेढ रज्जा की, हमारे जॉइंट्स की, हमारी जो फ्लेक्सिबल सर्वाइकल स्पाइन कोड है, इसके अंदर जो कैल्शियम की लेयर होती है वो 1000 माइक्रो मिलीमीटर में होती है, और जैसे जैसे हम भोजन करते हैं हमारी आयु बढ़ती है, बॉडी के 8 मिनरल्स डेवलप होते हैं, यही लेयर धीरे धीरे मोटी हो जाती है और हमारी ऊंचाई बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि 22-23 साल तक जिस व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती रही उसको कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसी तरीके से आप कैल्शियम की जहाँ कमी हो गई है उसे भी आर्थराइटिस नहीं कहा गया, उनके घुटने के नीचे के लिगामेंट्स घिस जाते हैं। डॉक्टर्स सीधा बोलते हैं आप ऑपरेशन कराइए, आप इस नी को चेंज कराइए, इसके अलावा उनके पास कोई निदान नहीं है, वो भी एक टाइम लिमिट तक, बाद में दूसरे पैर का भी करें। एक पैर के लिए लगता है 3 लाख, दो के कितने लग गए? 6 लाख, फिर भी गारंटी नहीं है। आप उस निदान को भी पाना है तो सिर्फ हमारे यहाँ से 2 चीज़ें और मिलानी जाती हैं, इसी के साथ ब्रह्मांड दर्दनाशक तेल, ब्रह्मांड पाचक चूर्ण, ब्रह्मांड अर्जुन पाउडर देना होता है, और ब्रह्मांड चिरायता पाउडर होता है। अब यहाँ थोड़ा सा थेरेपी कंपटीशन कह लीजिए या फिर मॉडर्न मेडिसिन की कंपटीशन कह लीजिए, लोग हमसे ये कहेंगे कि महाराज जी अभी तो संधिवात में त्रिफला और पाचक चूर्ण की बात थी, अब अर्जुन और चिरायता का इसमें क्या रोल है? क्योंकि मेडिकल में प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, भावना आस्था की ज़रूरत है। देखिए, ये चिरायता या अर्जुन का रोल अगर हम करते हैं तो ये चिरायता है। मूलतः आयुर्वेद विशेषज्ञ इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ज्वर में करते हैं, बुखार के लिए करते हैं, लेकिन इसके अंदर फाइबर है, इसमें कैल्शियम है, ये डाइजेस्टिव भी है, ये ब्लड प्यूरीफायर भी करता है, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है।
सेम कंडीशन, जब एक एज फैक्ट से वो हालत आती है उस समय तक आदमी की उम्र 45 के बाद हो जाती है, और 45 के बाद आदमी का ब्लड गाढ़ा होने लगता है, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, बोन मैरोज वीक हो जाते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं, सेरम कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। इसलिए अगर हमने चिरायता के साथ अर्जुन को कॉम्बिनेट कर दिया तो अर्जुन में ही कैल्शियम की मात्रा अतिशय पाई जाती है, जरूरत से ज़्यादा पाई जाती है। कैल्शियम बढ़ने लगेगा, ये दोनों दिया गया तो आपके नीचे घुटने के नीचे कैल्शियम की पूर्ति होने लगती है और आप नी चेंज करने से बच जाते हो। आप 3 लाख रुपया देकर एक नी नहीं चेंज करवाते हो, 6 लाख से दोनों पैरों के नहीं, और नॉर्मल से नॉर्मल सुविधाओं में मैक्सिमम 1 महीने की संधिवात की दवा ब्रह्मांड आयुर्वेदा की तरफ से मुश्किल से 1500 रुपये में आपके घर पहुंचती है, और अगर इसे आप 10 महीने ले लेते हो तो आपको ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आप ही विचार करिएगा कि 1500 रुपये महीने से 10 महीने में लेकर ठीक होना उचित है या 6 लाख रुपया दे करके ऑपरेशन कराना उचित है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, ब्रह्मांड आयुर्वेदा की जो भी औषधियाँ हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, जन सेवा के हिसाब से आए हैं, आए नमो नारायण। ब्रह्मांडपुरी ब्रह्मांड आयुर्वेदा जन सेवा में समर्पित, नमो नारायण। फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में नई बीमारी के निदान और उपचार के।